में मर्डर। आगरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा में युवक की हत्या कर शव को जलाया गया। 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। अपहरणकर्ता वसूलना चाहते थे फिरौती। शीत गृह मालिक के इकलौते बेटे की अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। शीत गृह मालिक के इकलौते बेटे की अगवा कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पीपीई किट में शव को बस्तर घाट पर जला दिया। पुलिस को मिले अहम सुराग। सुराग मिलने के बाद 5 लोगों को उठाया गया, उसमें से एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला आगरा के एक कोल्ड स्टोर कारोबारी और जिला पंचायत में सरकारी ठेकेदारी करने वाले सुरेश चौहान के बेटे का ये पूरा मामला है। जो इनका बेटा सचिन चौहान 21 जून की शाम से घर से गायब था, और लेकिन जिस तरह से कल देर रात की बात है कि 6 दिन बाद उनके बेटे की हत्या कर दी गई, और हत्या में शामिल उनके बेटे के करीबी ही लोगों का अभी तक पूरा मामला एसटीएफ ने खुलासा किया है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बड़ी बात यह है कि हत्याओं का कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी बात था कि हत्या करने के बाद बॉडी को भी आगरा में ही गला घोट दिया गया, उसके बाद पीपीई किट पहनाकर कोरोना से मृत बताकर उस जो सचिन है, मृतक सचिन है, उसकी बॉडी का संस्कार कर दिया गया और शमशान घाट पर उसका नाम भी गलत बताया गया। वहीं दूसरी तरफ जब मां ने उस शख्सियत को फोन किया तो सचिन का मोबाइल फोन उठाया और नोएडा में होने की बात कही, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। जब पूरे मामले व्यापारी से जुड़ा हुआ था, एसटीएफ को यह पूरी जांच दी गई। एसटीएफ ने सीडीआर के माध्यम से जब देखा तो सीसीटीवी फुटेज बना ले गए, जिसमें मृतक सचिन पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल 5 आरोपियों को एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया है। एसएसपी आगरा का कहना है कि अभी पूछताछ जारी है, लेकिन बड़ी घटना है कि अभी जिस तरह से व्यापारी के पुत्र को उठाकर उसके साथियों ने ही मौत की घाट उतारा है, और सबसे बड़ी बात आगरा के एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करने वाले का बेटा भी इसमें शामिल है इस हत्या के अंदर। लेकिन जिस तरह से बंकेश्वर घाट पर जाकर कोरोना के द्वारा मृत बताकर पीपीई किट पहनाकर ये दाह संस्कार किया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ा घटना मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, सरकारी ठेकेदार और बेटे की सरेआम हत्या कर दी गई, जो की 6 दिन के जून को इस बेटे की गुमशुदगी थाना में दर्ज कराई गई थी। एसटीएफ लखनऊ की इस पूरी घटना का खुलासा किया है। अजेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 2 करोड़ की फिरौती जब मांगी गई थी तो क्या परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी? देखिए, जब इस पूरे मामले में 5 आरोपियों पर, जो कि मृतक सचिन चौहान के करीबी जो लड़के थे, जो सीडीआर में लास्ट कॉल आई थी, उस लास्ट कॉल के आधार पर जब उस युवक को पकड़ा गया, उसके साथ में 5 लोगों को पकड़ा गया, और उसमें जब उनसे पूछताछ की गई कि सचिन कहाँ है, तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि हमने उसको घर से बुलाया था, एकांत जगह बुलाकर उसकी गला घोट के हत्या कर दी। हमारा जो मकसद था वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलना, ये मतलब था, तो कुल मिलाकर इसलिए ये 2 करोड़ की फिरौती की बात सामने आई है। वही जो मृतक परिवार के जो पिता है और परिवार के लोग हैं, वो लगातार पुलिस के पास जा रहे थे। पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज की कर पुलिस युवक की छानबीन चालू कर दी गई थी। कारोबारी से जुड़ा हुआ ये मामला था, इसलिए पूरे मामले को एसटीएफ यूनिट को दिया गया, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सीडीआर के माध्यम से एक घटना का खुलासा हुआ है। जैसा कि एसटीएफ लखनऊ की टीम ने कल अपने प्रेस रोड में जिक्र किया है कि 5 युवकों से पूछताछ में पता चला है कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती इस मृतक के पिता से लेना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक डर लगा और युवक को मार दिया गया। और लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अपना काम किया है, एसटीएफ यूनिट के सफलता मिली है, लेकिन एक बड़ी घटना हुई है, क्योंकि इकलौते बेटे की हत्या हुई है। परिवार में काफी गम है और इस बात को लेकर वो परेशान है कि साथ के युवकों ने ही इस घटना को अंजाम दिया, तो एक दिल दहलाने वाली यहाँ घटना देखने के लिए मिली। जी अजेंद्र, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के मालिक की बेटी की
हत्या कर दी गई, 2 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। कहीं ना कहीं क्राइम अनलॉक हो गया है, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि किसी ना किसी की हत्या पैसों के लालच में या फिर लूट की वारदात को लोग अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से क्राइम अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को अब इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए या फिर लगातार अपनी गश्त को या तो बढ़ा दिया जाए ताकि इस तरीके की घटनाएं जो है उन पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम अब बढ़ता जा रहा है। देखिए यसी, जिस तरह की ये घटना 2 करोड़ रुपए की बात सामने यहाँ आई है, ये कहीं ना कहीं एक महंगे शौक और जो युवकों को कहीं ना कहीं जो स्टाइलिश जिंदगी जीने का शौक लग चुका है, क्योंकि इसमें 102 युवक ऐसे हैं जो खुद करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिगड़े स्वभाव और उन बच्चों की कहीं ना कहीं बिगड़ने की आदत की वजह से ये एक पैसा यहाँ सामने आया है। प्री प्लांट पूरा ये मामला है, क्योंकि जिस तरह से अपने साथी को ही घर से बुलाया जाता है और वही युवक बुलाते हैं जो उसके साथ रोज रहते हैं, जिस तरह से बड़े कारोबारी का इसमें नाम आ रहा है, उसके बेटे को भी वहाँ पकड़ा गया है और उसी बेटे उस बेटे के जो कारोबारी का बेटा है उसका बेटा भी इस घटना में शामिल है। तो एक प्री प्लान पूरा मामला है, क्योंकि अज्ञात जगह में ले जाकर गला घोट के हत्या कर देना और उसके बाद बड़ी बात यह है कि जो घटना करने वाले आरोपी हैं उनका एक कॉन्फिडेंस देखने लायक था कि इस तरह की घटना पहली बार आगरा में देखने को मिली कि हत्या करने के बाद आरोपी भागते हैं, लेकिन उन्होंने उस मृतक की हत्या की। और बड़ी बात यह है कि हत्या करने के बाद आराम से पीपी किट पहना के शमशान घाट पर चले जाते हैं, वहां दूसरा नाम बता देते हैं और उस बेटे का दाह संस्कार कर देते हैं जिसको उसका पता ढूंढ रहा है। तो एक बड़ी घटना है। वहीं दूसरी अगर बात हम बात करें तो क्राइम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है कि क्राइम का अगर ग्राफ देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और बेरोजगारी एक बिल्कुल माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगार है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये पूरा मामला जैसी प्री प्लान है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, ये साथ के युवकों को नहीं इस अंजाम दिया है और एसटीएफ ने कल इस बात घटना का पूरा तरह से खुलासा किया। जी अजेंद्र, क्या इन 5 लोगों के अलावा और लोगों के शामिल होने की भी कोई सूचना है? अभी तक की जानकारी में एसएसपी आगरा मुनिराज ने बताया कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। वही दूसरी ओर एसटीएफ लखनऊ की एफआईआर में 5 लोगों का जिक्र है, जिसमें 5ों में से 2 लोग इसके युवक जो मृतक सचिन है उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए इस युवक का अपहरण किया था, अगवा करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। ये अभी जानकारी एसएसपी आगरा द्वारा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगरा में हुई हत्या की, 2 करोड़ की फिरौती के लिए कोल्ड स्टोरेज के मालिक के बेटे की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसे पीपीई किट की आड़ में आपको बता दें कि उसके शव को जला भी दिया गया। हालांकि पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 5 लोग वही हैं जिनका रोज सचिन के साथ मिलना बैठना था, उठना बैठना था और उन्होंने ही उसकी हत्या की साजिश रची। हालांकि उनका मोटिव सिर्फ 2 करोड़ रुपए की फिरौती लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर गए थे और उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी सचिन की। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीपी किट में शव को बर्कलेश्वर घाट पर जला दिया। नाम भी युवक का गलत बताया गया था और उसके बाद उसका वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको जला दिया गया और पुलिस को कुछ सुराग मिले जिसके बाद उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी और भी तथ्य आगे सामने आएंगे, उसकी जांच लगातार की जा रही है, लेकिन ये जो घटना आगरा में हुई ये कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक ये घटना रही। पैसों के लालच में अपने ही दोस्तों ने सचिन की हत्या कर दी। और अब आपको अमरोहा से खबर बताते हैं, जहां पर डीएम ने पिलकुंड गांव का निरीक्षण किया, गंदगी देखकर